चैनल आज है 25 जुलाई, सॉरी दिसंबर बोलने वाली थी, जुलाई, एंड आज है थर्सडे। और आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अभी मैं सोच रही थी कि हम लोग बाहर जाएंगे तब व्लॉग स्टार्ट करेंगे, बट अभी बाहर जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और इन लोगों को सूझ रही है क्रिकेट बारिश में, तो बारिश की वजह से हमारा जाना नहीं हुआ है। बट फिर भी घर में ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोगों के घर में, अरे बाप रे, आज भी चिल्ला रहा है जोर जोर से, घर में चल रही है क्रिकेट। और ये लोग सब अद्विक पे पापा माही सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा झलक देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आपने देख लिया क्रिकेट का माहौल घर का, और ये छोटू मोटू सा क्रिकेटर बहुत ही अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है और टेढ़ा मेढ़ा होके क्रिकेट खेल रहा है ना आदविक, अरे बाप रे, हाँ टेढ़ा होके क्रिकेट खेल रहा है ये। और हम लोग का बाहर जाना तो कैंसिल हो ही चुका है, अभी तो थोड़ा सा कुछ घर में ही करेंगे। और माही का हेयर कट भी करना था, तो माही का हेयर कट करने के लिए जाना था मुझे, तो मैंने सोचा अभी उसका अच्छे से हेयर कट करा के लाती हूँ तब। और इसके बाल भी थोड़े से खराब हो गए हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं जोर जोर से ये लोग, बहुत मस्ती कर रहे हैं लोग, तो इसी वजह से मुझे माही का हेयर कट भी करवाना था, तो बाहर जाना था। और उसके बाल भी थोड़े से नीचे से ख़राब हो चुके हैं, तो इसी वजह से अब मैंने सोचा कि उसके बाल बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको बड़े बाल पसंद है, बट मुझे भी बड़े बाल पसंद है, बट उसका कैसा हो रहा था कि मुझे छोटी बांध के देना है, हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और सुबह सुबह और थोड़ा सा उसके बाल भी ख़राब हो रहे हैं, पतले हैं उसके बाल ऑलरेडी इसी वजह से, तो वो तो जाना कैंसिल हो गया है। और अभी घर पे करते हैं जो करना है, और इन लोगों की मस्ती कब तक चलेगी पता नहीं अब। और बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग सब बाहर ही बैठे हैं और ये लोग तो मस्ती कर ही रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो हाँ स्विमिंग करने में मज़ा आ रहा है, हाँ आज का मज़ा तो कुछ अलग ही है, पार्टी करेंगे आज। कुठे आहे कुठे अद्विक कुठे आहे अद्वी ओ ओ दिसलं 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 कुठे आहे
क्या बनाऊँ डिनर में, तो मैंने सोचा कि चिकन बना लेती हूँ डिनर में। चिकन रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि चिकन रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा अभी चिकन बना देती हूँ और रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। और हाँ, बारिश बहुत ही अच्छी सी हुई आज और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अभी का, और थोड़ी देर में ही रुक गई थी बारिश, बट बहुत ज़्यादा आई थी बारिश आज। और अभी तो बनाऊंगी चिकन, उसकी तैयारी करूंगी। और हाँ, हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, काफ़ी गिर रहा है शायद बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश के मौसम में मानसून में हेयर लॉस होता ही है, काफ़ी लोगों का होता है। मेरा तो हर टाइम बारिश में हेयर लॉस होता है और उसके बाद फिर आ भी जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं हेयर। तो अभी बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं मेरे हेयर और थोड़ा सा डैमेज भी हो रहे हैं, आप देख सकते हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हेयर ऑयल जो है वो मैं हेयर वॉश से पहले लगाती हूँ, हेयर वॉश से एक दो घंटा पहले या पहले दिन रात को लगा लेती हूँ और अगले दिन रात को लगा के सो जाती हूँ और उस दूसरे दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। और अगर टाइम नहीं रहा, मैंने रात को नहीं लगाया, तो दूसरे दिन मैं एक दो घंटा पहले लगा लेती हूँ ऑयल और उसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। हेयर ऑयल लगाने से क्या होता है कि हमारे बाल भी हेल्दी होते हैं और पोषण भी मिलता है उनको, और बढ़ने में भी हेल्प मिलती है बालों को, तो इसी वजह से हेयर ऑयल लगाना ज़रूरी होता है बालों को। और वो भी आपको हेयर वॉश करने के बाद ऑयल नहीं लगाना है, और हेयर वॉश करने से पहले आपको ऑयल लगाना है, अच्छे से चंपी करनी है बालों की और उसके बाद आपको ऑयल लगाना होता है, तो उससे आपके बाल हेल्दी भी रहते हैं और बढ़ने में भी हेल्प मिलती है आपको। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। हाँ, लास्ट वीडियो पे किसी ने इसे कमेंट किया था कि मैं हेयर वॉश के बाद ऑयल की लगा रही हूँ, तो डियर वो ऑयल नहीं था, सीरम था, लिवॉन सीरम में लगा रही थी। तो लिवॉन सीरम या कोई भी सीरम में लगा लेती हूँ हेयर वॉश करने के बाद, तो अभी मैं फ़िलहाल लिवॉन सीरम यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं लिवॉन सीरम लगा रही थी। और सीरम भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए, उससे बाल शाइन भी करते हैं और उलझते भी नहीं हैं, इसी वजह से मैं सीरम लगा रही थी, आपको लगा कि हेयर ऑयल लगा रही थी। तो अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आप भी सीरम लगाया करो, क्योंकि सीरम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने दूसरे चैनल पे सीरम का वीडियो भी अपलोड किया है और उसके फ़ायदे भी बताए हैं, तो आप मेरे मैस टैलेंट टिप्स पे जाके आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाके आप मुझे मेरे सीरम का वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा सीरम क्यों ज़रूरी होता है लगाना। तो बस यही था, अब डिनर की तैयारी करती हूँ और डिनर बनाती हूँ। डिनर में आपको पता ही है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो चलिए फिर रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन, और दो गाँठे यहाँ पर लहसुन के लिए थे मैंने, उसको छील लिया था, और छोटा टुकड़ा यहाँ पर जिंजर का हमें चाहिए, तो जिंजर मैंने काट लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में। और फिर हमें चाहिए नारियल, सूखा नारियल, सूखा नारियल मैंने भून लिया था बारीक टुकड़ों में काट के। और फिर हमें चाहिए प्याज, एक बड़ा प्याज लिया था मैंने और उसको भी काट के मैंने भून लिया है तवे पे। तो और फिर बाद में मैंने लिया है एक टमाटर, तो उसको भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पर है चिकन, जितना आपको चिकन चाहिए उतना आपको वॉश करके रख देना है साइड में, तो इतना मैंने चिकन लिया है, तो इतने के लिए इतना इतनी जो क्वांटिटी है वो मैंने ली है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और इसमें मैं अब ऑयल ऐड करूँगी, जितना आपको ऑयल चाहिए उतना आपको ऐड करना है। तो मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं इतना ऑयल यूज़ करती हूँ। जिनका ज़्यादा ऑयल पसंद है, ज़्यादा तरी पसंद है ऊपर सब्जी के, तो वो थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करें, बट मेरी मानो तो आप जितना कम हो सके उतने कम ऑयल में कुकिंग किया करो, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं करता है, उल्टा नुकसान ही करता है, तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम से कम ऑयल यूज़ किया करो और कम से कम ऑयल में आप कुकिंग किया करो। अब हमें ये सारी चीज़ों को मिक्सी के पॉट में डालना है और उसके बाद हमें इसको पीस लेना है। तो मैं सारी चीज़ों को, सिर्फ टोमेटो छोड़ के सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल दूँगी, मतलब मिक्सी के पॉट में ऐड कर लूँगी और इसको सारे चीज़ों को पीस लूँगी। एक साथ ही हमें इन सारी चीज़ों को मिक्सी के पॉट में ऐड करके उनका फाइन पेस्ट बनाना है। तो अच्छे से हम लोग थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, चिकना पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से थोड़ा पानी ऐड कर करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमने कढ़ाई में जो ऑयल ऐड किया था उसमें हमें इस पेस्ट करना है, डाल देना है और फिर चलाना है।
तो जल ना जाए ऐसे करना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसको चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसीलिए आपको, और इसका पानी जब तक निकल ना जाए और जब तक ये तेल ना छोड़े, तब तक आपको ऐसे ही इसको भूनना है। टमाटर बचा था तो वो टमाटर मैं पीस लूँगी और इसका भी अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है, तो इस तरह से आपको पूरा भूनना है इसे, और जब तक ये तेल ना छोड़े इस तरह से ये तेल छोड़ेगा। उसके बाद आपको समझ जाना है कि ये भून चुका है मसाला, और उसके बाद आपको स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैं इसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी। हमें इसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा चाहिए उतना लाल मिर्च पाउडर आप उसमें ऐड करें। मुझे जितना तीखा चाहिए था उतना मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करना है आपको, आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, और उसमें आपको गरम मसाले का काला मसाला ऐड करना है, और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है धनिया पाउडर। तो मैंने इतना उसमें ऐड किया है और थोड़ा सा और भून लिया है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी चिकन मसाला, तो यहाँ पर मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं चिकन मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो जितना मैं चिकन मसाला आपको दिखा रही हूँ उतना आपको ऐड करना है। 1 टेबल स्पून चिकन मसाला आपको इसमें ऐड करना है, तो बस, और फिर और भून लेना है थोड़ा सा। तो उसके बाद थोड़ा सा भून जाने के बाद आपको जो पेस्ट है टोमेटो का वो उसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको इसे भूनना है अच्छे से, तो टोमेटो का पेस्ट भी अच्छे से भून जाएगा। तो बस इसे चलाते जाना है, और जब तक तेल नहीं छोड़ता तब तक आपको इसको चलाते जाना है। बस इसी तरह से आपको इसे चलाना है, आप देख सकते हो जैसे मैं चला रही हूँ वैसे ही आपको चलाना है, और अच्छे से इसको और भून लेना है। मिक्सी के पॉट में थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको चलाते जाऊँगी। आप देख सकते हो मेरा मसाला रेडी है, और तेल भी छोड़ रहा है मसाला, आप देख सकते हो। तो इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी अब, और ढक के रख दूँगी। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और ढक के रख दिया था, उसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, और साइड में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो बस इसी तरह से आपको ड्राई मसाले को पहले थोड़ी देर ढक के रखना है, और उसके बाद उसमें पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा। अगर एकदम से आप पानी डाल दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रेवी कितनी पतली हो गई है, और कितनी आपको गाढ़ी चाहिए कितनी पतली चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको पानी उसमें ऐड करते रहना है और चलाते जाना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, और उसमें मैंने, अब मैं पूरा पानी ऐड कर दूंगी उसमें और चलाते जाऊँगी। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है नमक, सबसे लास्ट में हमें उसमें नमक ऐड करना है, और उसे ढक के रख देना है। बाद में जब तक चिकन पकना जाए तब तक आपको बीच बीच में उसको चलाते जाना है और चेक करते रहना है कि चिकन पका या नहीं। और अभी मेरा चिकन पक चुका है, और आप देख सकते हो इस तरह से मेरा चिकन बना है, और यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए थे कुकर में। उसके बाद चिकन में आपको धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए ऐड करना है। बस हो चुका है आपका चिकन रेडी। राइस और चिकन मेरे बन गए हैं, और रोटियां जो है वो मैंने पहले ही बना के रख दी थी, तो इसी वजह से अभी मुझे रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बस मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो यही था आज का ब्लॉग, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।